देखो वो पांडे, तुम दिखाओ मेरा किधर है? जेब में। पर मेरे नहीं, तुम्हारे जेब में। अच्छा क्या फोटो है? राम खिलावर। आई कार्ड तो सही है। अच्छा अब ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताए सरकार, क्या बताए सरकार, आजकल बैंक में डकैती कितनी हो रही है, तो ये बैंक वालों ने छुपके से बैंक पे खुफिया नजर रखने के लिए हमें रखा है। और हम इतने खुफिया है कि बाहर जो सिक्योरिटी वाले बैठे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि अंदर सिक्योरिटी है। गुड 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 गुड, बाय 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 बाय। ये क्या? आपने कहा ना गुड 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 गुड, तो मैंने कहा बाय 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 बाय, गुड बाय। गुड बाय गुड बाय। और सुनो, ये रहा मेरा कार्ड, कोई भी घटना हो तो डायरेक्टली मुझे फोन करना, समझे? हाँ। और बैंक पे नजर रखो, ध्यान रखो। मेरा घर, मेरा जूजू, मेरी चार्ली। अरे क्या हो गया तुम्हें? पहले राम किलावन, अभी चार्ली? हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत 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 खुश हूँ चार्ली। चार्ली? ओह जिनी, तुम्हारे ठीक होने के चक्कर में एक काम तो भूल ही गए हम लोग। क्या? अरे वो म्यूजियम का दिया जिसे हमने वापस ही नहीं किया। ये जिनी कुछ भूलती नहीं है मेरे जूजू। मतलब ना सिर्फ मैंने वो दिया वापस किया बल्कि उसके साथ एक गिफ्ट भी। गिफ्ट? अरे ये दिया कहां से आ गया? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, क्या हुआ बनवारी, क्या बात है? ये देखिए दिया अपनी जगह आ गया। अरे हाँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? और ये सेंट टाइमर, ये कहाँ से आया? ये तो हमारे म्यूजियम का नहीं लगता। पता नहीं साहब, मैं अभी इंस्पेक्टर को फोन करता हूँ, तुम ध्यान रखना। जी साहब। हाँ गिफ्ट, पुरानी घड़ी। इसका मतलब आज के बाद जब लोग म्यूजियम में पुरानी चीजें देखने जाएंगे तो वे मेरी पुरानी घड़ी भी देखेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने जीनी, वेरी गुड। नाउ लेट्स होप कि हमारी जिंदगी में दोबारा वो घड़ी ना आए जिस घड़ी से हम गुजरे, है ना? हाँ जूजू। जीनी जीनी जी, तुम्हें वो म्यूजियम वाला बड़ा हथौड़ा याद है जिसे हमने शीशा तोड़ा था? हाँ। अरे तुम अपनी जादू से थोड़ी देर के लिए उसे यहाँ मंगवा सकती हो? जूजू उससे क्या, मैं तो उससे भी बड़ा हथौड़ा ला सकती हूँ। सच्ची? हाँ, पर किस लिए? अरे उस हथौड़े से ना मैं ये जादुई डिब्बा फोड़ देना चाहता हूँ। What's this? जूजू, जीनी। बस अब और कोई मुसीबत उठती भी हमारी तरफ ना आए। ये कौन सी नई मुसीबत है? What is this? ये क्या है? अरे ये तो मैंने मंगाया था, आना शुरू भी हो गया। तुमने मंगाया था, आना शुरू भी हो गया, क्या ये हमेशा ऐसे ही आएगा? जूजू ये जीनी लैंड का न्यूज़पेपर है, इसमें जीनी लैंड के बारे में सारी खबरें छपती है, और इसे पढ़ के गूस बाज़ूका जैसी खतरनाक चीजों से मैं सावधान रहूंगी। अच्छा जरा हम भी देखें जीनी लैंड का अखबार कैसा होता है। ओह ओह बड़ा है। आज जिन लैंड के मशहूर हसोड़े हाइना जिन को ये वार्निंग दी गई है, अगर उसने पागलों की तरह लगातार बार बार बिना रुके हंसना नहीं छोड़ा तो उस जिन को जेल में भेज दिया जाएगा। ये तो बहुत ही भूतिया अखबार है। ये लो, तुम संभालो तुम्हारे यहाँ के अखबार को। मैं आपसे एक बात करूं?
हाँ कौन? जब आप डरते हो ना, बड़े क्यूट लगते हो। ये क्या है? मैं तुम्हें हर वक्त क्यूट लगता हूँ। मैं जूते पहनता हूँ तो क्यूट लगता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो भी क्यूट लगता हूँ। What is this? जूजू, हाँ? मैं क्या करूँ? आप हो ही इतने क्यूट। चल। जूजू, आप सारी रात नहीं सोए? जाके थोड़ी देर सो जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सोने का नहीं, गोने का टाइम है। गोने का? यस। मतलब? टाइम देखो क्या हुआ? साढ़े दस। मतलब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। अरे वरना वो डॉक्टर और प्रिया हालचाल पूछने के लिए यहाँ आ जाएंगे। अरे हाँ, और जूजू अब तो मैं गायब भी नहीं हो सकती, नहीं छोटी हो सकती हूँ। अरे हाँ, एक बात कहना तो भूल गया। क्या? मेरे जाते ही ना तुम यहाँ कहीं छिप जाना। क्यों? अरे वो चतुर जी, जब देखो उसकी नजर तुम्हें ढूंढती रहती है। अरे हाँ। So be alert, हाँ? मैं फ्रेश हो गया तो? हाँ, मेरा घर। आप तो हम उस भूत को छोड़ेंगे नहीं। अरे बहुत हिम्मत पड़ गया है उसका। उस दिन रात को पार्टी में सबका सामने आ गया और कल रात को कार में हमको देख के भी गायब नहीं हुआ। जैसे ही मैं गया, गायब हो गया। आज रात को हम दोबारा भेज के बाबू का घर में छिप के जाएंगे और उसके बाद हमारा एक हाथ में होंगे शब्द और दूसरे हाथ में होंगे भूत। छोड़ेगा नहीं हम उसको। दो दिन नहीं आता तो क्या हो जाता है? स्वीटी पाई। हाय। तुम ऑफिस क्यों आए? ये कैसा सवाल है? मैं तो रोज सुबह ऑफिस आता हूँ। नहीं बेबी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कम ऑन बेबी, मैं बिल्कुल फिट हूँ। वो तो तुम्हें होना ही था, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सूप जो बनाया था। सूप नहीं बनाया था, तुमने मुझे बनाया था। हाँ? तुम भूल गई, मैं सो गया था तो तुम चली गई थी। तुम्हें बड़ा याद है। रिखी दिख रहा, तुम ऑफिस क्यों आए? आई रिपीट डॉक्टर, मैं रोज सुबह ऑफिस आता हूँ। नहीं नहीं निकला, तुम्हें ऑफिस नहीं आना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल फिट हूँ डॉक्टर। विकी, तुम ऑफिस क्यों आए? आई रिपीट द रिपीट, मैं रोज सुबह ऑफिस आता हूँ सर। नहीं नहीं, तुम्हें ऑफिस नहीं आना चाहिए, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। सर मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। अब कहाँ जा रही हूँ? इससे पहले कि कोई और मुझे पूछे कि मैं ऑफिस क्यों आता हूँ, मैं जाकर के नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि रोज सुबह मैं ऑफिस आता हूँ और मैं बिल्कुल फिट हूँ। I like that कॉमेडी है। चलो, I am really very happy कि तुम perfectly fit हो। ओके, हम सब चलें और विकी को कुछ काम करने दें। टेक केयर। अरे विकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे ऑफिस नहीं आना चाहिए, तुझे तो घर पे रेस्ट करना चाहिए था, यही बोलने वाला था ना। बोल बोल। नहीं भाई, ये सब मैं क्यों पूछूंगा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि चीनी कैसी है, वो ठीक है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड, वो घुस बजूगा के संकट से बच गई। ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। वैसे एक बात बोलूं, तू ऑफिस क्यों आया? तुझे ऑफिस नहीं आना चाहिए था, तुझे रेस्ट करना चाहिए था बेबी। लेकिन तू लेकिन नहीं बेला। मैं तू ऑफिस क्यों आया यार? लगता है दो तीन फिल्में एक साथ देख लियो तुमने। नहीं जूजू, इस बार ये जादुई डब्बे का असर नहीं है, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अब देखो ना, ना मैं धुआं बन सकती हूँ, ना मैं बोतल में जा सकती हूँ, और ना बोतल के बिना मुझे नींद आ सकती है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे करना क्या है, नीचे वाले गेस्ट रूम में जाओ, जाके सो जाओ, तुम लेट होगी फट से तुम्हें नींद आ जाएगी। देखो कितनी थकी हुई हो। नहीं जूजू, गेस्ट रूम में मुझे नहीं सोना, मुझे यहाँ सोना है। ना सोगी? अगर तुम यहाँ तो मैं कहाँ? आप ओ हेलो, मैं तुम्हारे उस बोतल में जाके सोने वाला नहीं हूँ, बोल देता हूँ करती है। एक आइडिया है। क्या?
एक मिनट। इस ड्रॉअर में क्या आइडिया है? दीदी, ओ हेलो, तुमने मुझे इस ड्रॉअर में क्यों डाल दिया? जूजू, क्योंकि आज रात के लिए ये ड्रॉअर आपका बेडरूम है। क्या? तुम पागल हो गई हो? मैं इस ड्रॉअर में कैसे सो सकता हूँ? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डोंट वरी जूजू, मैं हूँ ना, मैं अभी आपके लिए एक अच्छी बेडशीट देती हूँ। क्या? एक मिनट। जिनी नहीं, देखो जिनी नहीं। जूजू। जिनी नहीं, जिनी, 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 जिनी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट जूजू। कौन आ गया? मैं तो दरवाजा भी नहीं खोल सकती। जूजू, बाहर आ जाओ, आपको जाके दरवाजा खोलना होगा। क्या जीनी, अरे मुझे सोने दो ना, मैं कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ इधर। मुझे लगता है बाहर कोई आया है। एक काम करो, तुम जाओ उसे रिसीव करो, चाय नाश्ता पानी सब पूछो। हाँ, मुझे सोने दो, बाय। जूजू, आपको अच्छे से पता है कि मैं खुद जाके दरवाजा नहीं खोल सकती, इसलिए आप मुझे ये सब कह रहे हो ना। चलो बाहर आओ। अच्छा, बाहर आऊं? हाँ। सॉरी। आप ठीक तो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा बेडरूम टूट गया। बड़ी आई थी मुझे सुलाने वाली। हाँ, करो जादू, अब कहाँ भेजोगी मुझे? मेरा क्या है, मुझे तो कहीं भी नींद आ जाती है। सेंड मी, सेंड मी। सॉरी। चलो ठीक है, पीछे पीछे कहाँ आ रही? पहले उसे तो ठीक करो। हाँ, हो गया। चले चल। जिनी, प्रिया भी हो सकती है। एक काम करो, तुम 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 किचन में छुप जाओ, किचन में। चलो 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 चलो। अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं जोर जोर से चिल्ला के तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम संभाल लेना। हाँ, जाओ। वो हेलो दिकरा, कैंचो। मजा मा, इतनी रात गए, वो भी सामान के साथ। कहीं जा रहे आप? नहीं, मैं तो आ रहा हूँ। कहाँ से? अपने घर से। सामान के साथ? अरे दिकरा, वात एम छे के मारा घर मा पेस्ट कंट्रोल किया है, और वहाँ इतनी तेज बदबू है तो सोना तो क्या, मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रात तुम्हारे घर पे सो जाता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। क्या, आप यहाँ रहने के लिए आए? ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोई होटल में चला जाता हूँ। नो, आइए, रखिए रखिए, आप मुझे इंसल्ट कर रहे डॉक्टर है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि आप तो जानते हैं ना कि मैं बैचलर टाइप का आदमी हूँ डॉक्टर साहब, और बैचलर का घर कैसा होता है देखिए, सारा सामान जो है यहाँ वहाँ बिखरा होता है डॉक्टर साहब। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ठीक से आपकी खातिरदारी नहीं कर सकूंगा, इसीलिए मैंने। नो फॉर्मेलिटी विकी डिकरा, मैं तुम्हें कुछ भी तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे इस घर को अपना घर समझूंगा। जैसा कि मुझे अभी एक ग्लास पानी चाहिए, तो मैं खुद किचन में जाकर पानी ले लूंगा। हाँ, ओके। एक मिनट, आपको पानी चाहिए? मैं भी लाता हूँ। अरे नहीं नहीं विकी डिकरा, तुम क्यों तकलीफ करते हो, मैं पानी पी लूंगा, पहले मुझे अपना जरा सामान चेक कर लेने दो। हे भगवान, जीनी तो किचन में है, अगर डॉक्टर ने उसे देख लिया तो क्या होगा? जीनी को कैसे बताऊं कि डॉक्टर किचन में आ रहे हैं? क्या करूं, क्या करूं? मिल गया नैपकिन, मैं अभी आया दिकरा। डॉक्टर, डॉक्टर, आपको प्यास लगी है, इसीलिए आप किचन में पानी पीने के लिए जा रहे हो ना? तो मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर, डॉक्टर के किचन कैसे जाते हैं। आप यहाँ खड़े रहोगे, सामने है किचन, किचन में एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे होगा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को आप अपने राइट हैंड से खोलिएगा,
लेफ्ट साइड पे आपको पानी की बोतल दिखाई देगी जिसमें होगा ठंडा ठंडा पानी, जिसे पीकर आप अपनी प्यास बुझाएंगे। डॉक्टर डॉक्टर, अरे मेरे को मालूम है डिकरा के ठंडा पानी फ्रिज में होता है, वॉशिंग मशीन में नहीं। लेकिन तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं क्या कोई बहरा हूँ? आपको रात में कम सुनाई देता ना? किसने कहा तुम्हें? बॉस ने। लेकिन प्लीज देखो ना, मेरा नाम मत लेना। प्रताप, डॉक्टर डॉक्टर, किचन में अब आप जा सकते हैं। स्टॉप इट विकी निकला, स्टॉप इट। मैं नॉर्मल वॉल्यूम में सुन सकता हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ। आप किचन में जा सकते हैं। थैंक यू विकी निकला, मैं अब भी आया। इसके प्यास के चक्कर में मैं शहीद ना हो जाऊं। लगता है डॉक्टर आए। अगर डॉक्टर ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो जूजू की घंटी बजा देंगे। मैं गायब ही तो नहीं हो सकती, क्या करूं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।